वेलकम टू केमिक्स लूट चैनल। इस वीडियो में हम लोग जो सीसी कपलिंग रिएक्शन होता है ना, पैलाडियम बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीसी कपलिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम कैटलिस्ट। एंड वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपकमिंग नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ पे हम लोग 4 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखो द इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो पैलाडियम एसीटेट दिया गया है एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड देन यहाँ पे सिल्वर कार्बोनेट। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली योर हेक टाइप ऑफ कपलिंग है, ठीक है। दिस इज योर हेक कपलिंग, हेक टाइप और हेक कपलिंग। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो सब्सट्रेट यहाँ पे दिया गया दैट इज बेसिकली योर दिस सो दैट वॉज द सब्सटिट्यूट। अभी देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जो मीडिया में दिया गया ना पैलाडियम एसिटेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना ऑक्सीडेटिव एडिशन। ना ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जो पैलाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो मिनिमम होना है, दैट मीन्स पैलाडियम 0। नाउ इन पैलाडियम एसिटेट पैलाडियम का ऑक्सीडेशन है 2, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट्स व्हाई यू नीड टू ऐड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये क्या कहाँ पे कन्वर्ट होगा, पैलाडियम PPH3 होल 2 एंड दैट इज 0। सो दिस इज द एक्टिव पार्ट ऑफ दैट पैलाडियम कैटलिस्ट, दैट्स वाई यू नीड टू यूज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो देखो ये कैटलिस्ट बेसिकली PPH3 होल 2 पैलाडियम यहाँ पे ऐड होगा, बेसिकली ऑक्सीडेटिव एडिशन इस बॉन्ड में होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये जो आयोडीन के बीच में पैलाडियम का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा एंड देन पैलाडियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीजन स्टेट में। सो दैट्स द योर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन्स पैलाडियम 0 से पैलाडियम 2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स वाई ऑक्सीडेटिव। एंड ये जो सी आई बॉन्ड है कार्बन, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें एंड आयोडीन का जो बीच में जो बॉन्ड है वहाँ पे पैलाडियम का एडिशन हो रहा है, दैट्स वाई ऑक्सीडेटिव एडिशन, राइट। नाउ ये मिथाइल, बाकी किसी का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो नेक्स्ट स्टेप में लेट्स एज्यूम ये जो मिथाइल है दिस इज योर अबव द प्लेन, तो अबव द प्लेन में रहेगा तो ये बॉन्ड बिलो द होगा, तो ये सिमिलरली ये बॉन्ड भी बिलो द प्लेन होगा, मिथाइल अबव द प्लेन। अगर ये मिथाइल अबव है एंड ये बॉन्ड अगर बिलो है तो सिमिलरली मान लेते तो डेफिनेटली ये जो कार्बन है एंड ये जो पैलाडियम है वो भी क्या होगा, बिलो द प्लेन रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, एडिशन होता है। एडिशन कैसे होता है, देखो ये जो कार्बन है ये बेसिकली इस कार्बन में एडिशन होगा और ये पैलाडियम का इस कार्बन में एडिशन होगा। तो देखो जब एडिशन होगा ये एडिशन बेसिकली सीन फैशन से होता है, सीन एडिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन में क्या होता है, देखो ये डबल बॉन्ड ओवर हियर, ये है मिथाइल ओवर हियर, ये बिलो है, देन यू हैव एंड ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली बिलो द प्लेन से हो रहा है, तो ये बॉन्ड बिलो है एंड देन यू हैव ये बॉन्ड भी बिलो द फॉर्म से हो रहा है। एंड यहाँ पे जो प्रोटॉन था हाइड्रोजन था, ठीक है, वो दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, सेम साइड में, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पैलाडियम है उसका भी एडिशन बिलो द प्लेन से होगा, होल टू आयोडीन एंड दिस इज बेसिकली टू ऑक्सीजन स्टेट एंड दैट इज योर डबल बॉन्ड, राइट। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, सो दिस इज योर ए, ठीक है, सो दिस इज योर ए, तो ये कौन सा होगा, देखो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू सो द पॉसिबल आंसर शुड बी दिस, राइट, ओके। उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, बीटा हाइड्राइट एलिमिनेशन एंड दिस एलिमिनेशन इज बेसिकली योर सीन एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइट और एच माइनस सीन एलिमिनेशन, दैट मीन्स सीन, दैट शुड बी द सीन। तो ये जो पैलाडियम के रिस्पेक्ट में दिस कार्बन इज योर अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा, ऑल्सो अल्फा एंड दिस कार्बन इज बीटा, तो यहाँ पे जो सीन वाला हाइड्रोजन है सेम साइड में जो हाइड्रोजन है वहाँ से उसका एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये नहीं होगा क्योंकि ये एंटी में है, तो बेसिकली यही सीन साइज से, सीन का मतलब क्या है, सेम साइज से, जैसे ये पैलाडियम है एंड दिस हाइड्रोजन, तो ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, सीन होगा, ठीक है। अगर पैलाडियम रहेगा, अगर हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, तो इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, एंटी होगा, ठीक है। दैट्स वाई ये एलिमिनेशन ऑलवेज सीन में फिजिबल होता है, एंटी में नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा देन एट दी एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट,
ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो आंसर शुड बी योर ए। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हेक टाइप ऑफ रिएक्शन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर नेट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड देन यहाँ पे कार्बोनिल, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या दिया गया, आयोडीन। ठीक है, रिमेंबर आयोडीन ब्रोमीन ऐसा कोई डाइपोलर मॉलिक्यूल दिया जाता है ना, आयोडीन इसका क्या होता है बेसिकली डाइपोलर, एक साइड में पॉजिटिव होता है एक साइड में नेगेटिव होता है। सिमिलरली ब्रोमीन अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो एक साइड पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ डाइपोलर, दोनों साइड डिफरेंट पोलर है, दैट्स व्हाई डाइपोलर। तो आयोडीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऐसे करके ये प्रोटोन को लेगा तो ये एसिडिक प्रोटोन बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, राइट, तो यहाँ से अगर प्रोटोन लेगा तो ये बेसिकली क्या होगा, देखो ये इधर आ सकता है और आयोडीन को ऐसे ओपन कर सकता है। ठीक है, और इफ यू वॉन्ट टू डू इट लाइक दिस वे, ठीक है सोच लेते, यहाँ पे एनोलेट जनरेट हो रहा है। ठीक है तो क्या होगा, उसके बाद एनोलेट जाके भी ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू डू, एंड देन यू हैव ए डबल बॉन्ड एंड आयोडीन एंड देन यू हैव ए कार्बोन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या दिया गया है, पैलाडियम टेट्राकिस, सो पैलाडियम टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन जो कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये बेसिकली पैलाडियम जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है। नाउ ये जो कैटलिस्ट है काफ़ी कॉस्टली कैटलिस्ट होता है, ये भी फॉर योर कपलिंग रिएक्शन पर्पज में यूज होता है, बट द रिमेंबर पार्ट इज दैट ये एक्टिव कैटलिस्ट नहीं होता है, इसका एक्टिव पार्ट कौन सा होता है, पैलाडियम या से दो लिगेंड दो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन मॉलिक्यूल निकल जाता है, देन ये हीटिंग कंडीशन में ये बेसिकली योर एक्टिव कैटलिस्ट होता है। ठीक है, दिस इज योर एक्टिव, ये अनएक्टिव है, अनएक्टिवेटेड, सो दिस इज योर एक्टिवेटेड पार्ट। नाउ यहाँ पे देखो ये जो कपलिंग पार्टनर दिया गया, दिस इज बेसिकली डबल बॉन्ड टीन, सो टीन वाला जो कपलिंग रिएक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीले कपलिंग, स्टीले कपलिंग। ठीक है, पहले वाला जो रिएक्शन हमने किया था, पहले वाला प्रॉब्लम वो हेक था, एंड दिस इज बेसिकली स्टीले टाइप ऑफ कपलिंग। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, यू हैव ए पैलाडियम, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पैलाडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन होल टू क्यू बिकॉज दिस इज द एक्टिव कैटलिस्ट, एक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, नाउ ओ ए मीन्स ऑक्सीडेटिव एडिशन, कहाँ पे होगा, जो हैलाइड बॉन्ड होता है ना तो उसमें ही होता है इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन, पैलाडियम टू ट्राइफिनाइल फॉस्फिन होल टू एंड देन आयोडीन। उसके बाद यू हैव अ डबल बॉन्ड टीन ब्यू थ्री, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, यू हैव ए दिस रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइट BH4, सेलियम क्लोराइड 7 वाटर, सो दिस इज बेसिकली योर लूचे रिएजेंट, दिस इज बेसिकली योर लूचे रिएजेंट, लूचे रिएजेंट में क्या होता है, ये जो कार्बोनिल है उसका रिडक्शन हो जाता है, जस्ट लाइक यू हैव अ डबल बॉन्ड, वो बेसिकली ओइज में कार्बोनिल जो है वो ओइज में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ पे देखो एक तो है लाइक इन दिस रिएक्शन यू हैव सम बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टीले कपलिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड देन यहाँ पे लूचे रिएजेंट, तो तीनों पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था, सो द राइट आंसर शुड बी योर, कौन सा आंसर को देखो यहाँ पे राइट आंसर शुड बी योर सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन था ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, किसी और ईयर में पूछा गया था, देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम रीजन को दिया गया, इसको जस्ट घुमा के पूछा गया, यहाँ पे है मिथाइल, सी यहाँ पे मिथाइल है एंड यहाँ पे है देखो साइन है, तो जस्ट आई वुड लाइक टू लाइक डिस्कस सेम प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव आयोडो एंड दिस मिथाइल, सो दे आर इन ए ट्रांस फॉर्म, राइट। नाउ अगर हम यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, ये जो सीसी बॉन्ड है इसके बीच में अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो देखो हम लोग को क्या मिलने वाला है, डबल बॉन्ड एंड देन ये साइनो एबव है। ठीक है, ऐसे करके अगर हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4,
सो 1, 2, 3, 4 तो ये जो मिथाइल है वो इधर आएगा तीन नंबर कार्बन में, तो मिथाइल के साथ आयोडीन का क्या रिलेशन है, ट्रांस, सो आयोडीन शुड बी दिस डायरेक्शन, क्लियर हो गया, इस साइड में आयोडीन नहीं होगा, समझ रहे हो, आयोडीन दूसरे साइड में होगा, तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन आएगा, कौन सा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन था ना, कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं है तो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कौन सा वाला एक्टिव कैटलिस्ट होता है, पैलाडियम एसीटेट एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एंड पैलाडियम एसीटेट में कौन सा एक्टिव कैटलिस्ट होता है, यहाँ से इसके साथ रिएक्शन होगा, तो ये बेसिकली जनरेट करेगा योर पैलाडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन होल टू, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सेम केमिस्ट्री होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऐसे करके इसका एडिशन होगा, तो एडिशन होगा तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली सेम साइड से एंड ये एडिशन सीन सिमिलरली सेम टाइप ऑफ एडिशन होगा, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सब्सटेट, ओ दैट शुड बी द साइनो, सॉरी दैट शुड बी द साइनो, सिमिलरली अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देख लेना जो फर्स्ट प्रॉब्लम वही होगा, यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स से अगर ये बिलो से प्लेन से आ रहा है तो भी पैलाडियम भी बिलो से आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन से ऐसे ऐसे करके ले लेगा, ठीक है, एंड देन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बन आ जाएगा, यहाँ पे साइनो अबव द प्लेन है एंड यहाँ पे हाइड्राइड अबव द प्लेन है, एंड सो आंसर शुड बी योर दिस, तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सेम प्रॉब्लम था देखो, उसको ऐसे घुमा के पूछा गया एंड मिथाइल की जगह में बस साइनो डाल दिया, दैट्स द पॉइंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सी यहाँ पे भी देखो पैलाडियम एसीटेट ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बेस एंड सम सॉल्ट यहाँ पे दिया गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो एक्टिव कैटलिस्ट है वो बेसिकली पैलाडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ही होगा, होल टू जीरो, ठीक है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन सा बॉन्ड का होता है, जो CsP2 है एंड देन आयोडीन, कार्बन आयोडीन, सो डोंट थिंक अबाउट ओनली आयोडीन, जस्ट थिंक अबाउट एनी लिविंग ग्रुप, दैट विल बी द बेटर टर्म। ओके, लेट्स अज्यूम एनी एक्स, एक्स इज योर लिविंग ग्रुप, तो ऐसा कोई अगर लिविंग ग्रुप रहता है, लिविंग ग्रुप कैन बी योर आयोडाइड, कैन बी ब्रोमाइड, कैन बी योर टॉसाइल एक्सेट्रा, तो ऐसा कोई लिविंग ग्रुप रहता है तो ये जो बॉन्ड है इसके बीच में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है फॉर द पैलाडियम कैटलिस्ट, तो यहाँ पे वैसा हैलाइड सिस्टम क्या है, यू हैव दिस नेप्थाइन टाइप ऑफ सिस्टम, आयोडीन है, तो यहाँ पे पैलाडियम PH3 होल्ड, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली यू विल गेट दिस पैलाडियम आयोडीन, यहाँ पे PPH3 होल टू आई, ठीक है, सो दैट इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन, फर्स्ट टाइम में हो गया। उसके बाद क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, सी लेट्स एज्यूम दिस इज योर एराइल, ठीक है, एराइल एरोमेटिक रिंग, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओ एंड देन यहाँ पे एराइल। ओके, आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन उसका क्या हो रहा था, एडिशन, इफ यू कैन रिमेंबर फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या डिस्कस किया था, आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन उसका, आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन, आफ्टर OA सीन एडिशन हो रहा था, राइट, तो यहाँ पे सीन एडिशन डबल बॉन्ड में हो रहा है, राइट, नाउ ये जो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जेनरेट हुआ है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जेनरेट हुआ है आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन, नाउ यू विल सी द सीन एडिशन, राइट, नाउ द पॉइंट इज, देखो ये जो कार्बन है दैट इज बेसिकली डेल्टा नेगेटिव एंड पैलाडियम इज बेसिकली योर ऑब्वियसली पैलाडियम 2 ऑक्सीजन स्टेट में, तो दैट इज अ पॉजिटिव। नाउ ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव कहाँ पे जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव में अटैक करता है, राइट, दैट्स द बेसिक पॉइंट। नाउ ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कौन सा वाला कार्बन पॉजिटिव है एंड कौन सा वाला कार्बन नेगेटिव है, सो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो ये लोन पेयर का जो इफेक्ट है, ठीक है, ड्यू टू दिस कंजुगेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन लोन पेयर, यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे बोल सकते कि सी दिस इज योर प्लस एंड नाउ दिस इज नेगेटिव। Now, if this is your negative, so based on this concept, we can say this center is basically your delta negative and this center is your delta positive, right? क्योंकि कुछ भी जाके इधर अटैक करेगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, definitely. So based on this point of view, we can say ये जो कार्बन है this is delta positive and this is delta negative. तो पॉजिटिव में कौन सा एटम आएगा, कौन सा ग्रुप वाला आएगा, दिस इज जो दो सर नेगेटिव, तो कैसे होगा देखो, देन नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे इसका एडिशन कैसे होगा, सीन, ठीक है, तो डबल बॉन्ड में यहाँ पे एक एक करके हाइड्रोजन है,
तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों जो हाइड्रोजन है वो अबव चला गया ना, यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप आएगा, लेट्स अज्यूम दिस इज एरोमेटिक रिंग आएगा, राइट, क्योंकि एरोमेटिक का जो कार्बन था वो डेल्टा नेगेटिव था, वही डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पे आएगा योर पैलाडियम, पैलाडियम पी पी एच थ्री होल टू आई. सो दिस इज बेसिकली योर सीन एडिशन, सेम साइड से. सीन का मतलब क्या है, इसका जो एडिशन वो सेम साइड से हो रहा है, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे दोनों एडिशन सेम साइड से, दैट्स वाई सीन एडिशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे एराइल ओवर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन. एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो ये जो पैलाडियम, विथ रिस्पेक्ट टू पैलाडियम दिस कार्बन इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज योर बीटा. तो कौन सा वाला एटम का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, बेसिकली जो सीन है, डेफिनेटली ये जो एलिमिनेशन वो बेसिकली सीन फैशन से होता है. सो ये हाइड्रोजन का इसका एलिमिनेशन होगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू पैलाडियम इसका ओरिएंटेशन सीन है, तो ऐसे जाएगा और इसका एलिमिनेट हो जाएगा. सो द राइट आंसर शुड बी योर, राइट आंसर शुड बी योर डी, राइट. तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. आई होप ये जो चार प्रॉब्लम मैंने इस लेक्चर में डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग सेस एंड एट गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो कपलिंग पोर्शन होता है ना पैलाडियम बेस, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.